गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सभी? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ गाइस। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 12, मतलब दोपहर ही होने वाला है, तो 12 बज रहे हैं अभी। और गाइस, मैं अभी ना जाने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ मार्केट। एक्चुअली मेरे को किसी काम से मार्केट जाना है, और मैं आपको भी आज मार्केट दिखाऊंगी, और क्योंकि मुझे कुछ कपड़ा लेने जाना है, कुछ लेसेस वगैरह लेने जानी है। तो मैं, क्योंकि घर में बहुत सारे फंक्शंस आने वाले हैं, तो उसी की तैयारी में लगी हूँ मैं। और जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, जैसे कि रक्षाबंधन हो गया, करवा चौथ हो गया, और दिवाली, होली, और फिर शादियाँ शुरू हो जाएंगी, और फिर मेरे मिक्कू का भी बर्थडे है, तो उसके लिए भी बहुत सारी, मेरे को ऐसे मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है, मैं क्या पहनूँ। तो गाइस, उसी के लिए थोड़ी सी तैयारियाँ चल रही हैं अभी। सो मुझे ऐसे में, इसलिए मेरा ज़्यादा थोड़ा सा बाहर आना जाना हो रहा है मार्केट्स में। तो मेरी फ्रेंड आ रही है, वो मुझे सीधा वहीं मिलेगी, मैं भी वहीं जा रही हूँ। सो मैं आज आपको, मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ कि वहाँ का, जैसे कि मैं जा रही हूँ मंगोलपुरी, और मैं आज आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे फैब्रिक कैसा है, और भी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। मैं कई बार जा चुकी हूँ, और मैं कपड़े भी ला चुकी हूँ। एक्चुअली मैं अपनी शादी में भी, मेरे बहुत सारे सूट है जो मैं वहीं से लेके आई थी कपड़ा, तो मेरे शादी के काफ़ी सारे सूट थे जो मैंने वहीं से बनवाए थे अपने। तो आज भी मैं वहीं जा रही हूँ, क्योंकि फैब्रिक यार खुद स्टिच कराना वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि बाहर की चीज़ें इतनी पसंद नहीं आती जितना आप खुद डिज़ाइन करो अपनी ड्रेस वगैरह जो भी आपको पहननी है। तो चलो गाइस, फिर चलते हैं फटाफट। वो लेट बोल, उसका मैसेज आ गया कि निकल जा, तो मैं भी निकलती हूँ फटाफट से। आज घर पे मम्मी और डैडी हैं, वो अभी थोड़े मानू को दवाई दिलाने गए, तो वो आ जाएंगे। नीचे भैया हैं जो हमारे रेंट पे रहते हैं, वो तब तक घर देख लेंगे, ठीक है? तो चलो फिर फटाफट, लेट होते हैं। और गाइस, एक्चुअली अभी मैंने सनस्क्रीन लगाई है, इस वजह से मेरा फेस ज़्यादा ग्लो कर रहा है। और मैं अपनी चुन्नी लेके जाऊँगी मम्मी वाली, क्योंकि मेरे को थोड़ा फेस कवर करना पड़ता है, क्योंकि मेरी जो झाइयाँ हैं ना, उसकी वजह से जो मैं काफ़ी चीज़ देखती हूँ। मैं अभी, वैसे मैं घर पे ही जो घर वाली जो होममेड रेमेडी है, मैं वही यूज़ करती हूँ, बाहर का कुछ नहीं लगा रही हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा भी मुझे अपना फेस को सन, मतलब धूप से मुझे अपना आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब सेफ करना पड़ेगा, ताकि मेरे फेस पे सीधा धूप ना लगे, क्योंकि धूप लगती है तो वो और ज़्यादा फिर इन्हेंस हो जाती हैं। तो चलो गाइस, फिर फटाफट से मैंने मामा की चुन्नी ले लिया और चलते हैं, फिर लेट हो जाएंगे। ज़्यादा बातें नहीं करते, आपसे वहीं पे मिलती हूँ। सब ले लिया ना मैंने, पानी की बॉटल लेनी थी, वो मैंने, छोटी बॉटल थी, मेरे पास भी छोटा है, मैंने फेंक दी, अब काम नहीं हो जाती मेरे, मैं कैसे मरूँगी, वहीं जाके लूँगी। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं फिर गाइस। क्या बना रहे हो अंकल? मट्ठी गाइस, देखो मट्ठी बन रही है यहाँ पे। अभी दोबारा फ्राई करोगे इनको? ऐसे ही कच्ची नहीं है? कच्ची नहीं, मीठी मट्ठी। अच्छा, मीठी वाली है ये? ओके, सही है, देखते रहना अंकल, ठीक है? सो गाइस, देखो मार्केट में आ गया हूँ, देखो वाला। अच्छा लगा समृद्धि, ये सिंगल सिंगल वाले भैया, तो इसका ये वाला चौड़ा मिलेगा? ये 100 रुपए पीस है, वो वाले 30 रुपए। भैया डेकोरेशन के छोटे छोटे पीस होते हैं वो हैं? नहीं, यहाँ पे कहीं मिलेंगे? मुश्किल, वो आपको मिलेंगे जनरल स्टोर के दुकान में, या जो बच्चों के केक बर्थडे का सामान रखते हैं उनके पास। अरे भैया डेकोरेशन मतलब ये वाली डेकोरेशन बोल रही हूँ मैं, लेस टाइप में जो पीसेस आते हैं ना, स्टोन हो गए, बटन हो गए, वो चीजें भैया, वो वाले दिखाना, वो ब्लू से भाई ये बताना इसका, ये वाला बड़ा चौथा भैया। हाँ जी भैया, वो वाली लेस दिखाना, ब्लू वाली, तो भाग्यवती की लेस है क्या? हाँ, कलर क्या है? बार्गेनिंग करनी पड़ेगी बहू, सौभाग्यवती बहू का। हाँ, ये कलर नहीं, नहीं मैं कह रहा हूँ रेड उसमें है, मुझे भी चाहिए वो, रेड है, रेड मिल जाएगा मुझे, दे दो उसका पूरा, वो दे दो बंडल जितने का आता है। देख इसको अगर राह बना दो राखी, तो गाइस देखो इस टाइप टाइप के कपड़े होते हैं यहाँ पे, मिल जाएगा।
कट पीस बेचता ही नहीं हूँ मैं। हाँ सेम भी मिलेगा, टेंशन मत लो, लेकिन कलर जाएगा कैसे ऐसे नहीं हुआ बताओ। स्कैनर दे दो भैया, स्कैनर उधर रखो जाने। अच्छा पैसे कम है क्या? बतू नहीं पूरा बतू नहीं है। यार गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। नूना कह रहा बहन चाय पानी पी लो कुछ। चाय पानी मेरे यहाँ के ना शर्म भी आ जाए, अपन को फंदे का मरा जा रहा है तो। अरे बीगो का ऐसे मत करे, ले पकड़ जल्दी नंबर दे, देख ले पैसा भी ना है मैं खत्म हो गया गरीब हो गई मैं। तो गाइस देखो यहाँ पे सारी तरीके के कपड़े हैं, यहाँ पे 10 रुपये मीटर से लेके आपको 2000-3000 रुपये मीटर तक भी कपड़ा मिलता है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको कैसा कपड़ा पसंद आता है। तो यहाँ पे अलग अलग रेट हैं, कोई 50 मीटर, 60 रुपये मीटर, 100 रुपये मीटर, 200 रुपये मीटर, 300 रुपये मीटर, सब कुछ यहाँ पे। नेट भी है, अस्तर भी है, कपड़ा भी है आपको कुछ। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है सच में, और अभी हम शॉप पे आ रहे हैं कपड़ा ले रहे हैं। सो गाइस अभी हम खाना खा रहे हैं, देख। सो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैडम टेस्ट करके बताइए कैसे बना है। बहुत टेस्टी है भैया का रिव्यू देखो भैया। वो भैया यहाँ से हम छोले कुलचे खा रहे हैं बैठ के यहीं पे, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और छोले कुलचे भी बहुत टेस्टी है। सो गाइज इस वाली शॉप पे आपको ना हर तरह की लेस मिल जाएगी, जो भी आप इनको दिखाओगे ना कि हमें इस टाइप की लेस चाहिए, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। सब कुछ लटकन पैचेस, जो भी कोट सेट वगैरह में लगते हैं, जो भी चुन्नी में लगते हैं लेस, कोई भी किसी भी प्रकार की हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। 2 रुपये से लेके 10 रुपये से लेके 5 रुपये से लेके आपको 1500-2000 रुपये भी है यहाँ पे लेस। वो आपकी पसंद है कि आप कौन सी लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, बट बहुत अच्छे प्राइस हैं। और ज़्यादा जैसी चीज़ आपको चाहिए वैसी बिल्कुल डिटो यहीं पे मिल जाएगी, एक ही शॉप पे आपको मिल जाएगी, आपको अलग अलग नहीं भागना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप कोई भी अपना स्क्रीनशॉट लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, फोटो दिखा दो, ये वही लेस चाहिए, दीदी आपको निकाल के दे देंगी। बहुत बहुत मैं यहीं से लेके जाती हूँ, कई बार लेके जा चुकी हूँ। तो ये बहुत बहुत अच्छी शॉप है, देख सकते हो आप, बहुत सारा इससे सामान लिया था। आप कितना सोच रहे हो? मैं तो बहुत सस्ता सोच रही हूँ, होएगा ही 40-50 और के। हाँ जी हेलो गाइस, तो मैं अभी आ चुकी हूँ घर, और अभी मैंने बस अपना नहाई हूँ मैं, और अभी मैं ना अपने जहाँ पे मेरे सूट चल रहे हैं तो मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरे को कुछ लेसेस देनी थी उनको। तो फटाफट से चलते हैं गाइस, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 8 और फिर मैं लेट हो जाऊँगी। उधर से मेरे को भाई ले आएगा, उसके साथ आ जाऊँगी मैं। लाओ मम्मी कहाँ गए मेरा सामान? अरे यार कैसे मेरा दिमाग सा चल रहा आज। मैं यहाँ पे बना रही हूँ ना, एक्चुअली ना राइस रखे हुए थे,
तो एकादशी की वजह से वो खाए नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे तो इनको कोई खाएगा नहीं, तो मैं ना इनको फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना कैप्सिकम रखी थी, कैप्सिकम ना सारी ख़राब हो गई, तो बस यही बची थी। और यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, प्याज लिए हैं, और यहाँ पे मैंने अपना तेल चढ़ा दिया है। अभी मैं इसमें बस जीरा डालूंगी। यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिया, ये ना थोड़ी स्टील की कढ़ाई है तो ना जल्दी ये जल जाती है। मैं इनको अच्छे से फ्राई कर दूंगी, उससे क्या है ना फिर टेस्टी लगेंगे और बच्चे खा भी लेंगे, सब सारे लोग खा भी लेंगे, है ना। ये तो बहुत सारे बचे थे, गौरव ने खा लिए बलकन दाल चावल, उसको भूख लग रही थी। मैंने कहा रुक जा फ्राई कर रही हूँ, तो उसने ऐसे ही खा लिए। अब उस दिन ध्यान नहीं रहा, एक बना लिए, फिर अगले दिन एकादशी होगी तो ये ऐसे ही रखे थे, अभी ख़राब जाते यार। मैंने कहा लो तो इनका कुछ कर देती हूँ मैं अच्छे से। और ना अपनी कैप्स ये थोड़ी सी बच रही थी, मैंने कहा क्या थोड़ी अच्छी खुशबू सी आ जाएगी इसमें, और कुछ नहीं है। हरे राम। यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, अब मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी इसमें, नमक मिर्च हरा धनिया थोड़ा सा गरम मसाला, कुछ पनीर मसाला रखा है वो भी डाल दूँगा। तो सारे मसाले डाल लो इसमें अच्छे से, चावल डाल दिए इसमें, है ना। गाइस मैंने इसमें हल्का सा विनेगर डाला है, ठीक है। सॉरी, उससे ना थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है, ये फ्राइड राइस लगेंगे बिल्कुल इनको खाएंगे ना। अभी मैं इसमें रेड सॉस भी ऐड करूँगी, अभी हम इसमें रेड सॉस भी ऐड करेंगे, है ना। गाइस बन गए ना बढ़िया एकदम, बस अब प्लेट में ये देखो गाइस, इसमें यार मम्मी मानू इसी में खा लेंगे, इससे और ज्यादा टेस्ट आ जाएगा। और डाल मानू एक और मोदी सॉस सॉस से जो स्वाद लगेगा।